मन के हाथ, बुद्धि के हाथ में मन है, जैसे सारथी के हाथ में वो क्या नाम है तुखल होता है घोड़े का, ऐसे बुद्धि के हाथ में क्या है मन है। और बुद्धि यदि तुम्हारा शुद्ध होगी तभी तुम इस मन को नियंत्रण में रख सकोगे। मन यदि नीचे देखेगा इंद्रियों की ओर, जीभ ने कहा ये खा लो तब तुमने खा लिया, मन ने कहा आंख को इसको देख लो तुमने देख लिया, मन ने कहा कान को इसको सुन लो तो तुमने सुन लिया, लेकिन मन वही यदि ऊपर की ओर देखना शुरू कर दे, बुद्धि की ओर देखे, अहम की ओर देखे और अपने कारण की ओर देखना शुरू कर दे, तब तो समझ लो तुम्हारी यात्रा ठीक चल रही है, नहीं तो तुम रास्ते भटके हुए हो। रास्ते कब भटके हुए हो, मन की दो ही स्थिति है, या तो वो अधोगामिनी है नीचे की ओर देखता है, या तो ऊर्ध्वगामिनी। यदि वही मन इंद्रियां और शरीर की ओर देखे और उनके कहा पर चले तब तो तुम नरक की ओर जा रहे हो, याद रखना। उसको क्या कहते हैं, कामना। मन की वृत्ति है, मन के दो वृत्ति है, एक कामना एक भावना। वही मन यदि इंद्रियां और शरीर की ओर देख ले, संसार की ओर देखे तब तो उस कामना में लगे, तब तो तुम्हें डुबा देगा। और वही मन यदि अहम और बुद्धि की ओर देख ले तब तो वो तुम्हारा उद्धार कर देगा। उद्धार माने ऊपर खींचना, वो मन तुम्हें ऊपर खींचकर समाज में ऐसे स्थिति पे लाकर रख देगा जहां लोग आपको देखते ही वाह वाह करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप दुनिया की ओर नहीं हो, आप अपने इंद्रियों को नहीं सुनते हो, आप बल्कि उन पर नियंत्रण रख के अपने कारण की ओर देखते हो, परमात्मा की ओर देखते हो। क्या राय है? परमात्मा क्या है? प्रकाश। जब तुम प्रकाश की ओर देखते हो तो परछाई कहां होती है? पीछे। ये संसार क्या है? ये परछाई है, ये देखने में जैसा वैसा है नहीं। और तुम परछाई को पकड़ने जाओ, हाथ ऐसे मारोगे तो परछाई हाथ से दूर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि आज तक दुनिया में परछाई को किसी ने नहीं पकड़ सका। क्या आज तक दुनिया को तुमने पकड़ पाया? जिस बेटे को अपने वश में करना चाहे, जिस बेटी को अपने वश में करना चाहे, जिस पति और परिवार को अपना अनुकूल बनाना चाहे, क्या तुमने उनको प्रसन्न कर सका? ना ना, सर को 10 बार काट कर प्लेट में सबको दे दो अंताफल, लेकिन तुम अपने ना परिवार को खुश कर पाओगे ना दुनिया को, किसी को खुश नहीं कर सकते आप। हाँ इतना जरूर कर सकते हो, आप अपने आप को प्रसन्न कर सकते हो आत्म तत्व के प्रकाश में। मैं कह रहा था आपको कि यही मन यदि संसार की ओर देखे तब तो ये पतन को प्राप्त होगा, नरक में चला जाएगा पूरे गाड़ी को लेकर, और आत्मा गाड़ी में बैठा वो भी तो क्रैश होगा ही गाड़ी के साथ एक्सीडेंट में। और यदि वही मन ऊपर की ओर देखेगा तब तो उसको प्रकाश दिखाई देगा, और प्रकाश की ओर बढ़ेगा तो परमात्मा भी तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कहने का अभिप्राय, फिर वो कामना नहीं, मन की वही वृत्ति भावना कहलाएगी। मन नीचे देखता है तो कामना है, मन ऊपर की ओर देखता है तो भावना है, और भावना से भगवान मिलते हैं, कामना से संसार मिलता है। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें यदि संसार चाहिए तो मन को मोड़ कर इंद्रियों में लगा दो। जीभ ने यदि कह लिया भाई इसको मार कर खा लो तो मार के खा जाओ, कर्मों को मत सोचो। जीभ ने कह दिया कि इसको छूने में बड़ा आनंद आ रहा है इसलिए छू लीजिए, चाहे तुम्हें कोई ऐसा भयंकर रोग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तुमने छू लिया, विषय वासना कर ली। और वही मन यदि तुम परमात्मा की ओर लगाते हो तो उसमें कदापि तुम्हारा पतन नहीं होगा, आगे बढ़ते ही बढ़ते जाओगे। गीता में भगवान ने कहा नेहा भिक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाधे अर्जुन। जो इस मेरे द्वारा बताए गए गीतोक्त सनातन धर्म मार्ग को, गीतोक्त योग मार्ग को, जो सनातन धर्म का प्राचीनतम उत्कृष्टतम मार्ग है, सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है, इस योग मार्ग को जो अपनाकर अपने मन मुझ में लगाएगा, मन मना मत भक्त मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, जो मुझ में अपने मन को आसक्त करेगा लगाएगा, हे अर्जुन मैं भी उसके लिए वैसे ही कल्याणकारी बन करके उनके सारे इच्छाओं को पूरा करूंगा। भगवान की घोषणा है, और मेरे भगवान झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ बोल सकते, आप झूठ बोल सकते, भगवान झूठ बोलकर क्या पाएगा? आपका बुक्कत ही क्या है संसार में? आप यदि परमात्मा से अपने को देखेंगे तो आपको यदि मैं कह दूं आप चूटी हो, परमात्मा सेमल का पेड़ है, तब तो आपको बहुत बड़ा बता दिया, आपको बहुत बड़ा बता दिया। आपको यदि ये कह दे आप तो एक रोमा हो और भगवान पूरा हाथी का शरीर है, तब भी आप बहुत बड़े बता दिए मैंने, क्योंकि हमारी कोई अस्तित्व ही नहीं है इस सृष्टि में। यदि आप सृष्टि विज्ञान को पढ़े, फिर भी परमात्मा करुणा करके अपने भक्तों के लिए घोषणा किया कि जो व्यक्ति मेरे ओर अपने मन को करता है
उस व्यक्ति के लिए मैं क्या करता हूं। भगवान कहते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से अपने मन को भावना के प्रवाह में प्रवाहित करके मेरे में स्थित करते हैं उनके लिए अर्जुन योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो उनके पास नहीं वो उसको मैं दे देता हूं और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। भाई भगवान हमारे सब कुछ संभालने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार है अपने आप को उसके समर्पित करने के लिए? इसका चिंतन करते हुए आज हम अपनी वाणी को ही विराम देना चाहेंगे। आप लोग इन सारी बातों का चिंतन करें कि क्या आपका मन संसार में लगा है। यदि लगा है तो धीरे धीरे हटाइए, एकाएक मन नहीं हटता, ये भी याद रखना। बहुत बड़ी गुरु कृपा हो, पहले तो आपकी कृपा हो, आपकी कृपा होगी तब गुरु क्या नाम सत्संग करोगे, सत्संग करोगे तो गुरु कृपा होगी, गुरु कृपा होगी तो भगवान की कृपा तो है ही। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु के कृपा से तुम्हें सत्संग मिलेगा, और तुम्हारे सत्संग मिल जाए, भगवान मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, आपको कोई रोग हो और सूरीनाम का सबसे बढ़िया डॉक्टर आपको मिल जाए और डॉक्टर ने आपको दुनिया का सबसे अच्छी दवा दे दे और आप अपने घर में ला करके दवा को अपने द्रसवार में टांग कर जो भी परिवार आवे पहले जाकर भाई आ जाओ फुरसाल मेरे चलो और द्रसवार में देखो क्या गजब की दवा रखा हूं। और जानते हो किसने दिया है? सूरीनाम का सबसे नामी डॉक्टर ने दिया है। और दवा सबको दिखाते रहे लेकिन पियो नहीं तो क्या आपका रोग दूर हो जाएगा क्या देवता मेरे? नहीं दूर हो सकता, मर जाओगे, दवा वहीं का वहीं टंगा रह जाएगा और आपके कफन में भी डाल के लोग जला देंगे वैष्णवसे में, लेकिन कोई काम का नहीं आएगा। ऐसे सदगुरु मिल जाए, अच्छे से अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे से अच्छे मंत्र आपको बता जाए, लेकिन मंत्र कागज में लिख कर जाकर आप भी अपने पर मोनिंग दबा के रख लो या द्रसवार में लग दो या तीन दिन बाद पूछो भाई क्या मंत्र था, वो स्वामी जी पता नहीं आपने बताया था ना मैं भूल गया थोड़ा फिर हराल कर तो जरा। ऐसी यदि स्थिति है तो आपको पतन में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। हजार पैगंबर हजारों भगवान अवतरित हो जाए लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होता। इन शब्दों के साथ अपने मन को परमात्मा में लगाएं, सत्संग में लगाएं। भगवत प्राप्ति सत्संग से होगी। सत्संगति माने अच्छे लोगों की संगति करना और सत्संग किसे कहते हैं अगले कार्यक्रम में इस पर चिंतन करेंगे। आज इन शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जल में थल में नभ मेरा, सूरज में चंदा मेरा, जल में थल में नभ मेरा, सूरज में चंदा मेरा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा।